अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। वाहन चोरी अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित 3 गिरफ्तार। थाना पचोकरा व सर्वेलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही SSP अशोक कुमार नदी वार्ता में जानकारी। 9 मोटरसाइकिलें अलग अलग कंपनी की बरामद। फिरोजाबाद थाना पचोकरा व सर्वेलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित 3 अभियुक्त अवैध असलाहों सहित गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इस विषय में वार्ता कर SSP अशोक कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में मीडिया को जानकारी दी। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम रजनीश उर्फ लालू पुत्र धर्मपाल निवासी कुतकपुर चनौरा रामगढ़, सूरज पुत्र चेतराम निवासी कुतकपुर चनौरा रामगढ़, ऋषभ पुत्र मनोज कुमार निवासी कुतकपुर चनौरा रामगढ़ बताए गए। बरामदगी में 9 मोटरसाइकिलें अलग अलग कंपनी की, 2 अवैध तमंचा 315 बोर, अवैध कारतूस 315 बोर 3 बरामद किए गए। इन्हें निहाल सिंह की पुलिया से थाना पचोकरा व सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया है। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। जी देखिए, ये थाना पचोखड़ा की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें नेतृत्व जो है CO टोडला और सुपरविजन SP सुची साहब का है। ये इन्होंने 9 गाड़ियां बरामद करी हैं, 3 मुलजिम पकड़े हैं। उसमें से 9 में से 7 गाड़ी मालिक से बात हो गई है। उसमें 4 आगरा के हैं, जयपुर के हैं, कानपुर नगर के हैं। वो बेचारे आ रहे हैं, उनकी पहचान कराएंगे। अगर मुकदमा लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका मुकदमा लिख के उनको गाड़ी देने की व्यवस्था करेंगे। एक गाड़ी हमारे यहाँ रसूलपुर की है, उसका मुकदमा लिखा हुआ है। 2-3 से 2 तमंचे भी मिले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 गाड़ियाँ यहीं घूम रही हैं, लोगों की छीनी हुई हैं। लोग निराश हो जाते हैं कि आपको क्या मिलेगी, 50,000 की गाड़ी और 5 बार अगर जयपुर से बुला लेंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो ये पचोकरा पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। छोटी छोटी घटनाओं को मैं बार बार कहता हूँ कि इनका वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में इस टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। और इसमें कुछ लग्जरी गाड़ियाँ बड़ी भी इन्होंने चोरी करी हैं और ठिकाने लगाए हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। गाड़ी का मिलना, कनेक्ट होना, इंजन नंबर जिस नंबर मिलना, कई जगह बिकी रहती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कई दिक्कतें हैं। तो उस तरह से कुछ गाड़ियाँ भी हमें लग्जरी बड़े वाहन बरामद होने की वो रैकेट आपका जयपुर आगरा कानपुर यहाँ से मिला के है, तो आप इसे अंतर प्रांतीय तो कह ही सकते हो। अब इसको हम गैंग रजिस्टर कराएंगे। अभी कुछ उनके मेंबर मिलने हैं, उन्हें भी लाएंगे कि गैंग कराएंगे रजिस्टर। तो गाड़ियों अब आगे गाड़ियों का लूटना जब कम हो जाएंगी तब लगेगा हाँ सब सही कर। ये पिछले कम से कम इन्होंने जो बताया है कि 2-2.5 साल से तो कर ही रहे हैं।